हेलो एवरीवन वेलकम टू अभिवन यू आई एस आई एम सार्थक एंड आई आल्सो वेलकम यू टू अभ्यास 2.0 अभ्यास 2.0 हमारा वो इनिशिएटिव है जो कि एक्सक्लूसिवली एच सी के लिए हमने लॉन्च की है यहाँ पर जितने भी अपने इंपॉर्टेंट एम सी क्यूज रिलेटिंग टू योर एच सी एस फिल्म विच विल बी कंडक्टेड ऑन इलेवेंथ फेबररी अकॉर्डिंग टू एच और वो कंडक्ट होगा तो प्रिपेयर अकॉर्डिंगली इसी के लिए हम आपके लिए अपना सेशन लेके आए हैं जहां पर हम जितने भी इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज हैं आपके प्रीलिम्स के लिए जितने भी रेलवेंट है फिर चाहे वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हो आपके एच के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और अदर यूपीएससी तक के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है और अदर रेलिवेंट एमसीक्यूज सब कुछ डील किया जाएगा यहाँ पर सारे के सारे टॉपिक्स आपके फिर चाहे वो स्टेटिक का पार्ट हो हिस्ट्री पॉलिटी जोग्राफी साइंस राइट कोई भी और उसके अलावा आपका हरियाणा वाला पार्ट भी और उसके अंदर हरियाणा जीके हरियाणा के करंट अफेयर्स और नेशनल करंट अफेयर्स एवरीथिंग ऑल द इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस विल बी डील डेल्ट अंडर

राइट सो विद दिस लेट स्टार्ट आवर वीडियो आज का हमारा टॉपिक पॉलिटी है पॉलिटी है कुछ इंपोर्टेंट एमसीक्यूज हम देखेंगे और चैप्टर है पार्लियामेंट पार्लियामेंट रिलेटेड इंपॉर्टेंट राइट सो लेट स्टार्ट आवर वीडियो सी ओके ओके सो फर्स्ट क्वेश्चन

मैं आपको प्रोटोकॉल बता दूं कैसे आपको उस वीडियो के अंदर आगे बढ़ना चाहिए आपको वीडियो को करना है पॉज अपने आप क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है आप अपने आप क्वेश्चन को अटेम्प्ट करेंगे आई वी विल ट्राई टू फाइंड आउट द राइट आंसर अगर आपसे आंसर सही नहीं मिला देन यू विल चेक आपने गलती कहाँ पर करी इनकरेक्शन कहाँ पर आई है आपकी इन बंदे अपनी गलतियों से ज़्यादा सीखते हैं दैट इज द रीजन आई एम सजेस्टिंग यू टू गो थ्रू दिस राइट इस वीडियो को इस तरीके से ही देखिए दैट आप अपनी गलतियों से सीखे आपको चीज़ें अच्छे से और समझ में आएंगी चीज़ें याद रहेंगी राइट right? तरह पूरी देखने की बजाय वीडियो को पॉज करना है अपने आप अप अटेम्प्ट करना है और फिर देखना है कि हमने सही करा या गलत करा गलत करा तो कहां पे गलती हुई है राइट ओके सो नाउ एज फार एज दिस क्वेश्चन इज कंसर्न फर्स्ट स्टेटमेंट क्या कहती है अ बिल पेंडिंग इन द राज्यसभा विच हैज नॉट बीन पास बाय द लोकसभा लैप्स ऑन डिजोल्यूशन ऑफ द लोकसभा तो क्या ये लैप्स होएगा नो नो दिस विल नॉट लैप्स बिकॉज यहां पर अभी लोकसभा के पास गया ही नहीं है Right? अभी देखेंगे लैप्स होने वाले बट एजार एज दिसमेंट इज कंसर्ट दिस क्योंकि लोकसभा से तो गया ही नहीं है के अंदर तो वो लोकसभा बिल।, वो तो तो बिल आपका लैप्स नहीं होता सेकेंड बिल पेंडिंग इन लैप्स बाय रीजन ऑफ प्रोरोन ऑफ द हाउस इज नो प्रोरोगेशन जब हो जाए राइट देर आर थ्री काइंड ऑफ थिंग्स एडजर्नमेंट प्रोरोगेशन एडजर्नमेंट साइन एडई राइट right? प्रोरोगेशन क्या होती है प्रोरोगेशन जब अपना सेशन पूरी तरह ओवर हो जाता है राइट right? आपका जो एडजर्नमेंट होती है वो खाली एक दिन की जब सिटिंग ओवर होती है पर एडजर्नमेंट और जब सिटिंग ओवर हो जाए लेकिन नेक्स्ट सिटिंग की डेट ना बताई जाए राइट प्रोरोगेशन मतलब बिल्कुल सेशन का ओवर हो जाना तो क्या अगर कोई बिल पेंडिंग है और प्रोरोगेशन हो गई तो क्या वो बिल बिलप्स uh, हो जाएगा नो इट विल नॉट लैप्स राइट सो करेक्ट आंसर इस क्वेश्चन का क्या होगा ऑप्शन डी नाइदर वन नॉर टू

बिल पास बाय द लोकसभा बट पेंडिंग इन द राज्यसभा यस इट विल आल्सो लैप्स राइट बिकॉज लोकसभा से पावर लोकसभा के अंदर पास हो जाए या लोकसभा के अंदर वहीं पर पड़ा हुआ बिल वो लैप्स होगा उसके अलावा कोई बिल लैप्स नहीं होगा आप ऐसे भी याद रख सकते हैं राइट देन सी है बिल नॉट पास बाय द टू हाउसेज ड्यू टू डिसमेंट इन इफ द प्रेसिडेंट है होल्डिंग ऑफ अ ज्वाइंट सिटिंग बिफोर द डिजोल्यूशन ऑफ लोकसभा लोकसभा पहले ही ज्वाइंट सिटिंग बुला ली थी प्रेसिडेंट ने तो क्या वो बिल लैप्स होगा नो इट विल नॉट लैप्स इट विल नॉट लैप्स राइट देन अ बिल पेंडिंग इन द राज्यसभा बट नॉट पास बाय द लोकसभा राइट पेंडिंग राज्यसभा में लोकसभा में गया ही नहीं अभी तो दैट विल नॉट ऑल्सो नॉट लैप्स जो हमारी स्टेटमेंट भी थी देन अ बिल पास बाय बोथ द दाउसेज बट पेंडिंग एसेंट ऑफ द प्रेसिडेंट प्रेसिडेंट के भी एसेंट नहीं मिली सो इट विल ऑल्सो नॉट लैप्स राइट दोनों हाउस से पास हो गया बट प्रेसिडेंट की एसेंट नहीं गई तो so, वो भी लैप्स नहीं होगा

consider the following statements the chairman of the council of states or speaker of the house of the people okay or person acting as such shall not vote at any sitting of either house of the parliament or joint sitting of the house in the first instance but shall have an exercise a casting vote in the case of an equality of votes right okay second statement a person is qualified to fill a seat in the council of states or houses

राइट right? नॉर्मल वोट करेंगे कि जब भी कोई सेशन बैठा पर वोटिंग हो रही है तो क्या नॉर्मली ये दोनों वोट करते right? ये कह रहे हैं टाई है. हो जाए इक्वेलिटी हो जाए तो टाई ब्रेकर जिसको कास्टिंग वोट कहा जाता है तो क्या ये सिर्फ कास्टिंग वोट डालते हैं राइट बोथ ऑफ ओनली गो फॉर कास्टिंग वोट टू ब्रेक द टाई टाई को टाई ब्रेकर के लिए जब इक्वलिटी हो जाए इक्वल वोट्स आ जाए किसी डिसीजन के ऊपर राइट right? ये फर्स्ट स्टेटमेंट कह रही है तो क्या ये सर करेक्ट है यस इट इज करेक्ट नॉर्ट बिकॉज नॉर्मली राज्यसभा का चेयरमैन हो चाहे लोकसभा का स्पीकर हो नॉर्मली वो वोट नहीं करते दे ओनली वोट फॉर दे ओनली हैव द पावर फॉर कास्टिंग वोट वो सिर्फ टाई ब्रेकर कास्टिंग वोट होता है उनका नॉर्मली वो वोट नहीं करते राइट ओके सेकेंड अ पर्सन इज क्वालिफाइड टू फिल अ सीट इन द काउंसिल ऑफ स्टेट्स और हाउस ऑफ द पीपल इफ ही इज नॉट

राइट सो करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन ऑप्शन ए दट इज ओनली वन राइट सी आंसर इज ए आई होप कुछ चीजें आपको सीखने को मिली होंगी इन दो क्वेश्चन के थ्रू ओके देन नेक्स्ट कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट सिंस द सम्स रिक्वायर टू मीट एक्सपेंडिचर डिस्क्राइब बाय द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया एज एक्सपेंडिचर चार्ज अपॉन कॉन्सोलेटेड फंड ऑफ इंडिया आर नॉट सब्मिटेड टू द वोट ऑफ द पार्लियामेंट नो हाउस इज कंपिटेंट टू डिस्कस दिस

दो टाइप के एक्सपेंडिचर होते हैं कॉन्सोलिटेड फंड ऑफ इंडिया से राइट इसको सी बोला जाता है वन इज चार्ज अपॉन अदर इज चार्ज मेड राइट चार्ज मेड ये जो अपॉन वाले हैं ये मैंडेटरी होते हैं इनपे वोटिंग नहीं होती नो वोटिंग इनपे वोटिंग नहीं होती बट चार्ज मेड इस पे वोटिंग होती है बिकॉज इस पे वोटिंग होती है इसके अंदर पावर होती है

राइट अच्छा क्वेश्चन था काफी कुछ सीखने को मिला होगा इस क्वेश्चन से ओके तो यस नेक्स्ट कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इन रिस्पेक्ट ऑफ प्रोविजंस फॉर रिमूविंग डेडलॉक बिटवीन द टू हाउसेज ऑफ द पार्लियामेंट डेडलॉक राइट ओके आफ्टर अ बिल हैज बीन पास बाय वन हाउस एंड ट्रांसमिटेड टू द अदर हाउस द प्रेसिडेंट मे नोटिफाई टू द हाउस हिज इंटेंशन टू सिटिंग इफ राइट right? सिटिंग कब कब बुला सकते हैं प्रेसिडेंट जो है सिटिंग कब बुलाते जनरली जब डेडलॉक वाली सिचुएशन हो जाती है राइट right? जब लोकसभा राज्यसभा अपनी टर्म्स में एग्री नहीं कर रहे होते तो डेडलॉक आ गया डिसीजन नहीं ले पा तो रहे तो क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि वो डेडलॉक जो है किस किस सिचुएशन के अंदर हो सकता है राइट right? जब ज्वाइंट सिटिंग बुलाएगा प्रेसिडेंट कब जब डेडलॉक वाली सिचुएशन हो दोनों नहीं मान रही पार्टियां लोकसभा राज्यसभा के बीच में आपस में एग्रीमेंट नहीं हो पा रहा किसी टर्म के ऊपर

मोर देन थ्री मंथस नो यहां पर होगा सिक्स मंथस अगर छह महीने तक राइट right, यहां पर आएगा सिक्स मंथ अगर छह महीने तक कुछ डिसीजन ही ले रहा दूसरा हाउस एक बिल एक हाउस ने पास कर दिया उसके बाद दूसरे हाउस में गया और छह महीने हो गया लेकिन दूसरे हाउस ने कुछ एक्शन ही ले लिया तो वो भी सिचुएशन डेडलॉक की होगी तीन महीने नहीं छह महीने हो गए यहां पर राइट सो दिस इज इन करेक्ट सो करेक्ट आंसर फिल बी ऑप्शन बी वन एंड टू ओनली राइट थर्ड स्टेटमेंट इज इन करेक्ट एज फार एज दिस क्वेश्चन इज राइट ओके आंसर इज बी नेक्स्ट राइट विच statements द फॉलोइंग स्टेटमेंट फॉर द सेपरेशन ऑफ रेलवे बजट फ्रॉम द जनरल बजट आर करेक्ट ऑल दो आज की डेट में रेलवे बजट जैसा कुछ नहीं है हटा दिया गया है राइट बट पहले क्या होता था कि रेलवे बजट अलग से निकलता था राइट right? तो क्या रीजन दिए गए थे कि रेलवे बजट अलग से निकलना चाहिए एक्वर्थ कमेटी थी उसने रिकमेंड किया था कि रेलवे बजट अलग से निकालो तो कौन से रीजन कौन से दिए उस कमेटी ने आपसे क्वेश्चन में यह पूछा हुआ थोड़ा है बट ट्राई करते हैं फर्स्ट टू इंट्रोड्यूस फ्लेक्सिबिलिटी इन रेलवे फाइनेंस मैनेजमेंट ओके देन टू फैसिलिटेट अ बिजनेस अप्रोच टू द रेलवे पॉलिसी ओके टू सिक्योर स्टेबिलिटी ऑफ द जनरल रेवेन्यूज बाय प्रोवाइडिंग एन अड एनुअल कॉन्ट्रीब्यूशन फ्रॉम रेलवे रेवेन्यूज ओके टू एनेबल द रेलवेज टू कीप देर प्रॉफिट फॉर दे ओन डेवलपमेंट ऑल राइट ऑप्शन है टू थ्री एंड फोर वन एंड फोर वन टू एंड थ्री या फिर वन एंड टू ओनली ओके से ठंड बढ़ गई है ओके okay. चलो अब देखते हैं फर्स्ट स्टेटमेंट टू इंट्रोड्यूस फ्लेक्सीबिलिटी इन रेलवे फाइनेंस मैनेजमेंट यस दिस इज करेक्ट बिल्कुल रेलवे के जो फाइनेंस मैनेजमेंट उसके थोड़ी फ्लेक्सिबिलिटी रहे अलग से तभी उसके लिए रेलवे बजट को इंट्रोड्यूस किया गया था सेकंड टू फैसिलिटेट अ बिजनेस अप्रोच टू द रेलवे पॉलिसी यस दिस इज आल्सो करेक्ट सो वन एंड टू आर करेक्ट डेफिनेटली देन टू सिक्योर स्टेबिलिटी ऑफ द जनरल रेवेन्यूज बाय प्रोवाइडिंग एन अश्योर्ड एनुअल कॉन्ट्रीब्यूशन फ्रॉम रेलवे रेवेन्यूज नो नथिंग लाइक दैट राइट टू एंश्योर टू एनेबल द रेलवे टू कीप देयर प्रॉफिट फॉर देयर ओन डेवलपमेंट नो नथिंग लाइक दैट राइट right? कि उनके अपनी डेवलपमेंट के लिए प्रॉफिट नहीं नथिंग सो द करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन डी वन एंड टू ओनली राइट सी ऑप्शन इज आंसर इज डी ओके नेक्स्ट एन एक्सेप्शनल ग्रांट अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज रिगार्डेड एज यहां पे किसके बारे में पूछा हुआ आपसे एक्सेप्शनल ग्रांट्स के बारे में कुछ ग्रांट्स दिए जाते हैं बजट के अलावा भी लाइक सप्लीमेंट्री ग्रांट एक्सेप्शनल ग्रांट राइट और भी कई सारे ग्रांट्स हैं अभी आपसे क्वेश्चन में किसके बारे में पूछा हुआ है एक्सेप्शनल ग्रांट राइट ऑप्शन है एन एडवांस ऑन अकाउंट ऑफ एस्टिमेटेड एक्सपेंडिचर फॉर अ पार्ट ऑफ एनी फाइनेंशियल ईयर पेंडिंग कंप्लीशन ऑफ ऑफ प्रोसीजर फॉर वोटिंग ओके ये क्या कह रहे हैं आपसे एडवांस ऑन अकाउंट ऑफ एस्टिमेटेड एक्सपेंडिचर फॉर अ पार्ट ऑफ एनी फाइनेंशियल ईयर पेंडिंग कंप्लीशन ऑफ प्रोसीजर फॉर वोटिंग ऑफ ग्रांट्स ओके देन अ ग्रांट फॉर मीटिंग एन अनएक्सपेक्टेड डिमांड ऑन अकाउंट ऑफ इनडेफिनेट कैरेक्टर ऑफ द सर्विस

है वोट ऑफ क्रेडिट ना कि एक्सेप्शनल ग्रांट राइट जो कि आपको वोट ऑफ ग्रांट के पास होने से पहले ही पास कर दिया जाता है कि राइट right? कि आप दो महीने का अपना खर्चा निकालिए ओके देन सेकंड स्टेटमेंट आपके किस बारे में बात कर रहा है राइट सेकंड स्टेटमेंट आपसे किस बारे में बात कर रहा है एक मिनट जस्ट अ सेकंड ओके सो सो ओके सो फर्स्ट स्टेटमेंट किसके बारे में बात कर रहा है इज इज नॉट सॉरी दिस इज नॉट वोट ऑफ क्रेडिट इट इज वोट ऑन अकाउंट फर्स्ट स्टेटमेंट किसकी बात कर रहा है वोट ऑन अकाउंट की बात कर रहा है राइट सेकंड अ ग्रांट फॉर मीटिंग एन अनएक्सपेक्टेड डिमांड ऑन अकाउंट ऑफ कैरेक्टर ऑफ द सर्विस विच नॉट बी स्टेटेड विद डिटेल्स ये किस बारे में बात कर रहा है ये है वोट ऑफ क्रेडिट दिस इज वोट ऑफ क्रेडिट दिस इज ऑल्सो ऑफ ग्रांट एक्सेप्शनल ग्रांट है ये भी एक तरीके का ही राइट एक्सेप्शनल इन द सेंस की डिफरेंट काइंड ऑफ ग्रांट ओके थर्ड

राइट सब इंपॉर्टेंट ग्रांट्स यहाँ से क्वेश्चन आते हैं तभी मैंने इंट्रोड्यूस कर रखे क्वेश्चन राइट वोट ऑफ अकाउंट वोट ऑफ क्रेडिट एक्सेप्शनल ग्रांट सप्लीमेंट्री ग्रांट्स ऑल दीज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सो काइंडली डू मेक अ नोट ऑफ ऑल दीज थिंग्स एंड रिमेंबर दीज राइट दीज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट नेक्स्ट ओके द प्रोविजन फॉर द कंटिजेंसी फंड ऑफ इंडिया रिजल्ट इन राइट अब आपसे क्वेश्चन किसके बारे में पूछ रहे हैं कंटिजेंसी फंड ऑफ इंडिया सी आर थ्री फंड कॉन्सोलिटेटिव फंड ऑफ इंडिया कंटिजेंसी फंड ऑफ इंडिया और पब्लिक अकाउंट आपको तीनों के तीनों फंड्स पता होने चाहिए इंपॉर्टेंट है सी एफ आई हम हम क्वेश्चन के थ्रू भी करते रहेंगे डोंट वरी बट अपने एंड से भी आप एक बार रिवाइज जरूर कर ले कॉन्सोलिटेटेड फंड ऑफ इंडिया कंटिजेंसी फंड ऑफ इंडिया और पब्लिक अकाउंट क्वेश्चन आपसे किसके बारे में पूछ रहा है कंटिजेंसी फंड ऑफ इंडिया ओके दिस प्रोविजन रिजल्ट इन फर्स्ट एब्जोल्विंग द एग्जीक्यूटिव फ्रॉम प्रिपेयरिंग द एस्टिमेट ऑफ द एक्सपेंडिचर ओके देन लेजिस्लेचर टू अप्रूव द एक्सपेंडिचर ओकेजिस्लेटिव कंट्रोल ओवर द एग्जीक्यूटिव प्रोवाइडिंग सेफ्टी वॉल्व टू टाइड ओवरिसके नेम में उसका मीनिंग छिप है कंटिजेंसी मीन एमरजेंसी के लिए एमरजेंसी पर्पज एमरजेंसी पर्पज में एक बैकअप का काम करता है कि भाई कुछ भी ब्रैक कोई एमरजेंसी कोई क्राइसिस है तो उस टाइम पे हमारे पास कुछ फंड

ट इज रीजन प्रेसिडेंट को दे रखा है राइट सो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या आंसर बनेगा ऑप्शन डी प्रोवाइडिंग सेफ्टी वॉल्व टू टाइड ओवर अ क्राइसिस राइट सेफ्टी वॉल्व सेफ्टी वॉल्व क्या होता है बैकअप के लिए एक सेफ एक आपके पास नेट पड़ा हुआ सेफ फंड पड़ा हुआ है आपके पास राइट सो इसलिए इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी आई होप कंटिजेंसी फर्ड आपको समझ में आया होगा क्या चीज है और क्या नहीं राइट right. तो so, क्या इसके लिए पार्लियामेंट्री अप्रूवल चाहिए इनिशियली नहीं चाहिए बट अल्टीमेटली चाहिए होगा इस फंड को भरने के लिए राइट बट किसके कंट्रोल में है ये प्रेसिडेंट के कंट्रोल में ये ओके नेक्स्ट सी आंसर इज डी ओके विच ऑफ द फॉलोइंग टूल्स विच ऑफ द फॉलोइंग टूल्स ऑफ कंट्रोल ओके विच ऑफ द फॉलोइंग टूल्स ऑफ कंट्रोल मे बी एडॉप्टेड फॉर रेजिंग अ डिस्कशन इन द हाउस ऑन अ मैटर ऑफ अर्जेंट पब्लिक इंपॉर्टेंस राइट विच आर दूल्सिंग ऑप्शन ए सेंसियोर मोशन ऑप्शन बी एडजर्नमेंट मोशन ऑप्शन सी कॉलिंग अटेंशन या ऑप्शन डी कट मोशन राइट लेट मी रिमाइंड यू अगेन वीडियो को पॉज करें अपने आप अटेम्प्ट करें फिर देखें करेक्ट हो या इनकरेक्ट अगर इनकरेक्ट हो तो कहाँ हो प्लीज डेक देन लू मेक नोट ऑफ दैट गलतियों से सीखना है अपनी राइट ओके तो नाउ क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि कौन सा टूल है जो कि मैटर ऑफ अर्जेंट पब्लिक इंपोर्टेंस को रेस करने के काम आता है तो क्या वो सेंसर मोशन है नो एडजमेंट मोशन है यस कॉलिंग अटेंशन नो कट मोशन नो बेसिकली ये तीनों है ए सी डी ये तीनों के तीनों बेसिकली सेंसर करने के काम आते हैं सरकार के अगेंस्ट ठीक तरीके से रेस किए जाते हैं बट एडजमेंट मोशन क्या होता है ये करता है एडजर्न कि भाई करंट प्रोसीडिंग्स को एडजर्न करो रोको थोड़ी देर के लिए और एक अर्जेंट पब्लिक इंपॉर्टेंस का मैटर है यहां पर ध्यान लगाओ इधर फोकस करो हाउस को बोलते हैं इसके अंदर किधर फोकस करो सो so इसके लिए मिनिमम कितने पचास मेंबर का एग्रीमेंट चाहिए पचास मेंबर साइन करते तभी एडजमेंट मोशन पास होता है मिनिमम फिफ्टी मेंबर्स राइट सो देन ओनली आप एडजमेंट मोशन को इंट्रोड्यूस करा सकते हो इट कैन बी इट इज बेस्ड ऑन ओनली मैटर ऑफ अर्जेंट पब्लिक इंपॉर्टेंस राइट सो करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन बी एडजमेंट मोशन सारे के सारे मोशन इंपॉर्टेंट है प्लीज डू रीड अबाउट देम कि क्या क्या प्रोविजन होते हैं जर्मन मोशन के कॉलिंग अटेंशन मोशन के कट मोशन के यहां से क्वेश्चन बहुत फ्रिक्वेंटली पूछे जाते हैं राइट ओके सी आंसर इज बी नेक्स्ट ओके कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिलेटिंग टू द प्रोसीजर ऑफ द इलेक्शन ऑफ द स्पीकर एंड द डेप्यूटी स्पीकर ऑफ द लोकसभा स्पीकर और डेप्यूटी स्पीकर के इलेक्शन प्रोसीजर की बात कर रखे हैं यहां पर तो फर्स्ट स्टेटमेंट आपसे क्या पूछ रही है द इलेक्शन ऑफ अ स्पीकर शेल बी हेल्ड ऑन सच डेट एज द प्राइम मिनिस्टर मे फिक्स एंड द सेक्रेटरी जनरल सेंड टू एवरी मेंबर नोटिस ऑफ दिस डेट ओके द इलेक्शन ऑफ अ डेप्यूटी स्पीकर शेल बी हेल्ड ऑन सच डेट एज द स्पीकर मे फिक्स एंड द सेक्रेटरी जनरल सेंड टू एवरी मेंबर नोटिस ऑफ दिस डेट ओके विच ऑफ द अबव स्टेटमेंट आर करेक्ट राज्यसभा only only and and speaker, speaker, right? के चेयरमैन डेप्यूटी चेयरमैन और जितने प्रिसाइडिंग ऑफिसर है ये वाला टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है इनफैक्ट पार्लियामेंट एज अ होल इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक आपको पार्लियामेंट के, के बारे में पता होना चाहिए पार्लियामेंट्री सिस्टम के बारे में पता होना चाहिए प्रिसाइडिंग ऑफिसर के बारे में पता होना चाहिए अगर स्पीकर की बात है स्पीकर के इलेक्शन प्रोसीजर स्पीकर का रिमूर प्रोसीजर स्पीकर के फंक्शन सेम फॉर डेप्यूटी स्पीकर डेप्यूटी स्पीकर के इलेक्शन प्रोसीजर डेप्यूटी स्पीकर का रिमूवल प्रोसीजर इनके फंक्शन राइट दीज बेसिक बेसिक फैक्ट आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर वो यहीं पर खेलते हैं यहीं पर ऊपर नीचे ट्विक करके करकेश्चन्स देंगे राइट सो एज फार एज दिस क्वेश्चन इज कंसर्न लेट्स ट्राई दिस क्वेश्चन फर्स्ट आपसे कि पूछ नो, no. कौन फिक्स फिक्स करेगा? प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट राइट? है, ना प्राइम मिनिस्टर. और पहले पहले स्पीकर से एक दिन के लिए कौन बैठे होंगे एक स्पीक, एक और होता है जिसको बोलते हैं प्रोटेक्ट स्पीकर इनको कौन अपॉइंट करता है प्रेसिडेंट ही करते हैं इनको प्रेसिडेंट अपॉइंट करेंगे right? नया स्पीकर नहीं आता सो so, टेम्परली एक दो दिन के लिए प्रोटेस्ट स्पीकर को बिठाया जाता है और इनको इलेक्ट कौन करता है प्रेसिडेंट वेर एज स्पीकर जो है अपना स्पीकर कौन कैसे इलेक्ट होते हैं जो मेंबर्स हैं लोकसभा के वहीं अपने में से स्पीकर को इलेक्ट करेंगे उनमें वोटिंग होगी एंड अकॉर्डिंगली स्पीकर विल भी इलेक्टेड राइट यहां पर क्वेश्चन उसकी डेट जो वोटिंग होनी है उसकी डेट कौन डिसाइड कर रहा है प्रेसिडेंट और प्रेसिडेंट डेट डिसाइड करता है उसके बाद जो है सेक्रेटरी जनरल जो है उस डेट को सारे के सारे मेंबर्स में पहुंचा देते हैं सारे नोटिस के साथ कि भाई इस डेट को हमने इलेक्शन का प्रकरण है स्पीकर के इलेक्शन होगा तो काइंडली बी प्रेजेंट एंड यू डू योर वोटिंग पार्ट ओके देन कम्स द इलेक्शन ऑफ डेप्यूटी स्पीकर शेल बी हेल्ड ऑन सच डेट एज द स्पीकर मे फिक्स राइट यस दिस इज करेक्ट एंड द सेक्रेटरी जनरल शेल सेंड टू एवरी मेंबर द नोटिस ऑफ दिस डेट यस दिस इज करेक्ट स्टेटमेंट डेप्यूटी स्पीकर का जो इलेक्शन है वो कौन स्पीकर कनेक्ट कराएगा स्पीकर डेट चूज करेंगे उसके बाद उनके भी, भी क्या होगी वोटिंग होगी डेफिनेटली हाउस ही चूज करेगा उनको स्पीकर चूज नहीं करता स्पीकर इलेक्शन की डेट चूज कर रहे हैं डेप्यूटी स्पीकर के लिए भी वोटिंग होती है वोटिंग के थ्रू इलेक्ट होके आते हैं राइट हाउस ही उनको इलेक्ट करके भेजता है राइट सिंपल मेजोरिटी से होगा देन सो करेक्ट आंसर क्या होगा इसका ऑप्शन बी ओनली टू इज करेक्ट फर्स्ट स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट करेक्ट राइट आंसर इज बी नेक्स्ट ओके विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट आपसे पूछा हुआ नॉट करेक्ट हमेशा ध्यान दिया करो इस चीज पे कि करेक्ट पूछा है या इनकरेक्ट पूछा है जैसे इस क्वेश्चन में आपसे पूछा है नॉट करेक्ट ओके फर्स्ट स्टेटमेंट एन अप्रोप्रिएशन एक्ट इज नॉट असेंशियल फॉर पासिंग अ ग्रांट अंडर अ वोट ऑफ क्रेडिट ओके रीअप्रोप्रिएशन डज नॉट इन्वॉल्व एनी एडिशनल एक्सपेंडिचर ओके द राज्यसभा हैज नो पावर टू वोट ऑन द डिमांड ऑफ

जब अप्रोप्रिएशन बिल की बात आ जाती है इस वोटिंग इस सिर्फ या तो पास करोगे करोगे रिजेक्ट दैट्स इट वहां पर वो वाला केस नहीं होगा कि अमेंडमेंट अमेंडमेंट प्रपोज पहले होती है डिस्कशन के टाइम उस टाइम वोटिंग के टाइम नहीं तो बिल हो गया या फिर फाइनेंस बिल हो गया वहां पर आपके अमेंडमेंट की कोई बात नहीं होगी वहां सिर्फ पास होगा या रिजेक्ट होगा दैट्स इट दो ही केस है सो दिस इज द करेक्ट स्टेटमेंट देन द राज्यसभा हैज नो पावर टू वोट ऑन द डिमांड ऑफ ग्रांट्स यस दिस इज ग्रांट्सो करेक्ट बिकॉज वाई बिकॉज वो क्या होते हैं मनी बिल है राइट right? ये मनी बिल है अप्रोप्रिएशन बिल फाइनेंस बिल मनी बिल के ऊपर राज्यसभा का कोई पावर नहीं होगी सो सेम गो फॉर दिस ऑल्सो द रीजन राज्यसभा हैज नो पावर एट सच दे डू नॉट वोट ऑन द डिमांड ऑफ ग्रांट्स सिर्फ 14 डेज का टाइम होता है जिसके अंदर वो कुछ प्रपोज कर सकते हैं या वो मानेगी लोकसभा ना माने लोकसभा की, की मर्जी होगी आई आई बात समझ में सो दिस इज ऑल्सो करेक्ट स्टेटमेंट देन बी डज नॉट इन्वॉल्व एनी एडिशनल एक्सपेंडिचर यस दिस इज करेक्ट एडिशनल एक्सपेंडिचर नहीं होता जो ऑलरेडी आपको पास हुआ हुआ है उसी में से कुछ फंड आपको एलोकेट होगा एक्स्ट्रा जो बच गया राइट रीअप्रोप्रेशन का मतलब ये होता है कि आपको इनिशियली जो पास हो गया कुछ बजट अप्रोपरिएशन के थ्रू वहां पर फाइनेंशियल ईयर खत्म होने से पहले आपका कुछ पैसा बच गया था तो आप रीअप्रोपरिएशन करा के जो बच गया उसी में से निकालोगे राइट सो दिस इज ऑल्सो करेक्ट स्टेटमेंट ओके फर्स्ट स्टेटमेंट एन अप्रोप्रियशन एक्ट इज नॉट असेंशियल फॉर पार्टिसिंग अ ग्रांट अंडर वोट ऑफ क्रेडिट नो दिस इज इन करेक्ट वोट ऑफ क्रेडिट के अंदर भी अगर आपको पैसे निकालने हैं तो अप्रोप्रियशन एक्ट पास करानी पड़ती है

अपने एस प्रीलिम्स के लिए सो आई अ वंडरफुल ऑप्शन फॉर यू बिकॉज टेस्ट सीरीज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पढ़ाई अपनी जगह होती है उसके अलावा जो एप्लीकेशन वाला पार्ट है एमसी की उसकी जो प्रैक्टिस है वो आप टेस्ट सीरीज के थ्रू ही सीखोगे यू विल लर्न हाउ टू अटेम्प्ट रियल पेपर कि दो घंटे के अंदर आपको कैसे टाइम मैनेज करना है राइट कैसे आपको आपके वीक एरियाज का पता लगना चाहिए बिकॉज हमारी जो टेस्ट सीरीज है राइट उसकी सबसे बड़ी यूएसपी यही है ओके सो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट मी शो यू द टेस्ट सीरीज होल्ड ऑन ओके सो सी हियर अब आई एस आपके लिए एक्सक्लूसिवली एक्सेस प्रीलिम्स की टेस्ट सीरीज हमने लेके आया है जहां पर यू विल बी गेटिंग 26 एक्सक्लूसिव टेस्ट जिसके अंदर आपके सी सेट और जीएस के दोनों इंक्लूडेड है सी सेट के आपको सेक्शनल टेस्ट भी मिलेंगे कंप्लीट फुल लेंथ मोक टेस्ट भी मिलेंगे सी सेट के सेम गोस फॉर जीएस जीएस के सेक्शनल टेस्ट भी हैं फुल लेंथ टेस्ट भी है एवरी थिंग इज इंक्लूडेड अंडर दिस सेक्शन और जो मेन यूएसपी एस टेस्ट सीरीज की वो क्या है कि आपको प्रॉपर आपका एनालिसिस मिलेगा टेस्ट का यू विल बी टोल्ड की आपके वीक एरियाज कहाँ पर है कहाँ पर आपको स्पेशल फोकस देने की जरूरत है सो so दैट आप उनपे काम कर सकें और अपनी प्रिपरेशन को कम्प्लीट कर सकें बिकॉज दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट जब तक आप ये एनालिसिस नहीं करेंगे तो टेस्ट देने का भी कोई फायदा नहीं है दीज आर ओनली देन क्वेश्चन लेकिन मोक टेस्ट का क्या काम होता है कि आपको एक प्रॉपर एनालिसिस मिले कि आप कहाँ गलती कर रहे हो सो दैट रियल जब एग्जाम होगा आपका डी डे वहाँ पर आप गड़बड़ ना करो वहाँ पर आप सिली मिस्टेक्स ना करो वहां पर अपने सारी प्रिपरेशन के साथ जाओ फुली प्रिपेयर होकर जाओ सो दैट आपके चांसेज पूरे हंड्रेड परसेंट हो जाए कि आपका सिलेक्शन हो ही हुए एम ऑफ सीरीज़ वेरी अफोर्डेबल आपके लिए डिस्काउंट पे हम इसको लॉन्च कर रहे हैं राइट दो हजार रुपए का डिस्काउंट है आपके लिए पैसठ सौ के अंदर आपको सारे के सारे टेस्ट मिलेंगे सो काइंड आई रियली रिकमेंड यू अगर आपने अभी तक नहीं सब्सक्राइब करी तो गो फॉर दिस टेस्ट सीरीज इट विल रियली हेल्प यू आउट राइट हम हमेशा प्राइजेस अपने इतने अफोर्डेबल रखते हैं बिकॉज अभी मनुआई इसका मानना है कि कि अफोर्डेबिलिटी आपकी जो प्रिपरेशन है उसके हिंड्रेंस नहीं रहनी चाहिए दैट इज द रीजन हम इतने अच्छे अफोर्डेबल प्राइसेस के ऊपर आपके लिए च्छे च्छे right? so this, अच्छे अच्छे इनिशिएटिव लेके आते रहते हैं राइट सो विद दिस आई विश यू गुड लक एंड आई सिंसियरली होप आपकी प्रिपरेशन अच्छी जा रही होगी अंटिल आवर नेक्स्ट वीडियो टेक केयर एंड बाय थैंक यू